नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स, प्रीति शर्मा आपके साथ। रुक करते हैं खबरों की और शुरुआत करते हैं कोटपुतली से, जहां पर जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ ने स्थानीय लालचंद मोराजी वाला धर्मशाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देश का सैनिक हूँ, मुझे जातियों में नहीं बांटा जा सकता, मुझे राजनीति बेशक न आती हो लेकिन देश को भ्रष्टाचारियों से कैसे बचाया जा सकता है वो जरूर आता है। एक परिवार की गुलामी जिसकी चार पीढ़ियां भ्रष्टाचार में लिप्त हो, इसी मानसिकता के कारण आज पूरा विपक्ष देश को तोड़ने, विभाजन करने और जाति में बांटने के लिए एकजुट हो रहा है। इस अवसर पर कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को धोखा पत्र बताते हुए पिछले 5 सालों में क्षेत्र में किए गए अपने विकास कार्यों की जानकारी देते हुए देश को मजबूत और सशक्त सरकार के लिए पुनः प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी को जिताने की अपील करते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही उनकी जीत का आधार है। इस अवसर पर अपने पारिवारिक बैकग्राउंड का परिचय देते हुए कर्नल राजवर्धन सिंह ने कहा कि बचपन से ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की परवरिश पाई है, आज भी वही कर रहा हूँ। पूरा देश मोदी जी के प्रति एकजुट है। मैं रहा इतने साल, 26 साल में सेना में रहा और अब जब आपके बीच में आया हूँ, और 16 साल से पहले भी मेरे पिता सेना में 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, मेरे दादा ने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा, मेरे परदादा ने पहला विश्व युद्ध लड़ा, मेरे नाना पुलिस ऑफिसर थे यहाँ राजस्थान में। भाई हमें तो भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई के अलावा कुछ आता नहीं। और मुझे लगता है कि आज भारत की राजनीति को भी ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जिसे राजनीति नहीं आती हो लेकिन देश को मजबूत करना जरूर आता है। जो हमारे सामने विपक्ष है वो विपक्ष हमारा है मानसिकता ऐसी जिसमें एक परिवार की गुलामी हो, चार चार पीढ़ियां भ्रष्टाचार कर रही हो और देश का विकास नहीं हो रहा हो। आज उनके जो घोषणा पत्र यानी धोखा पत्र के अंदर जो लिखा हुआ है आपने देखा, उसके अंदर दिया गया है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, सेना के पास जो स्पेशल ताकत होती है कश्मीर जैसी जगह पे, उसको हम बदल देंगे। आप जोड़िए, पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, सबूत मांगते हैं सेना से, 40 साल से वन रैंक वन पेंशन नहीं देते, अब सेना कश्मीर जैसी स्थिति में काम कर रही है तो उनकी जो स्पेशल पावर्स हैं वो भी ख़त्म करना चाहते हैं। और साथ साथ 124 धारा ए उसको हटाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये JNU में जो टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे जो लोग थे जो भारत का विभाजन करना चाहते हैं उनके ऊपर जो कानून लगता है उस कानून को ही हटाना चाहते हैं। ये देश को पूरी तरह तोड़ना चाहते हैं और हम देश को जोड़ना चाहते हैं। ये जातियों की बात करते हैं, हम भारतीय की बात करते हैं, ये मजहब की बात करते हैं, हम हिंदुस्तानी की बात करते हैं, ये फ़र्क है। हम गांव-गांव तक देश का पैसा पहुंचा रहे हैं, इन्होंने पीढ़ियों दर पीढ़ी भ्रष्टाचार कराए, फ़र्क ये है, बिल्कुल साफ है। और इस बार देश ने मन मना लिया है, पूरी तरह से तैयार है, हर व्यक्ति मोदी जी पर पूरा विश्वास है।